नमस्कार, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के ई लेक्चर में मैं डॉक्टर धीरज किशोर जौहर, सीएमआरबी जीपीसी श्रीगंगानगर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने रेफ्रिजरेशन की परिभाषा, हीट इंजन, हीट पंप तथा रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट तथा हीट इंजन, हीट पंप व रेफ्रिजरेटर में तुलना का अध्ययन किया था। इस लेक्चर में हम यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन मेथड्स तथा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान द्वारा पिछली परीक्षाओं में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन से। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी प्रशीतन की मानक इकाई प्रशीतन टन होती है, प्रशीतन टन होती है। प्रशीतन टन को किस तरह से परिभाषित किया जाता है उसको समझने से पहले हम पानी से बर्फ किस प्रकार बनाई जाती है उसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है तथा हमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ की आवश्यकता है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है तथा 10 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ की हमें आवश्यकता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बर्फ से हमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी से हमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बनाना पड़ेगा सबसे पहले। यानी इस पानी में से हम ऊष्मा को निष्कासित करेंगे, इस प्रकार की ऊष्मा को हम सेंसिबल हीट या सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस कहते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी था, हमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ की आवश्यकता है, तो सबसे पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी में से क्या किया गया, ऊष्मा का निष्कासित किया गया तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी में परिवर्तित किया गया। अब इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी से हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ बनाएंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ, यानी यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस 0 है, बनाने के लिए हमें यहां से कुछ ऊष्मा निष्कासित करनी पड़ेगी जिसे हम लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा का नाम देते हैं। और फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ से 10 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ बनाने के लिए हमें जो ऊष्मा निष्कासित करनी पड़ेगी वो फिर वापस सेंसिबल फॉर्म में होगी। यानी फेज चेंज जो होता है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ बनाने के बीच में जो फेज चेंज होता है, अवस्था परिवर्तन होता है, उसके बीच में जो ऊष्मांतरण होता है उसे हम गुप्त ऊष्मा का नाम देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की परिभाषा पर। सबसे पहले हम हिंदी में देखते हैं, 24 घंटे में यानी एक दिन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले एक टन यानी 1000 किलोग्राम पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बर्फ में परिवर्तित करने के लिए निष्कासित ऊष्मा की दर प्रशीतन टन कहलाती है। यानी एट इज द रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1 टन, दैट इज 1000 केजी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू आइस एट 0 डिग्री इन 24 आवर्स। यानी 24 घंटे में 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले एक टन पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बर्फ बनाने के लिए जितनी जिस दर से ऊष्मा निष्कासित की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रशीतन टन कहते हैं। और इसे कैपिटल टी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें ये चीज याद रखनी है, 1 TR इज इक्वल टू 3.5 किलो जूल पर सेकेंड या 1 टन इज इक्वल टू 3.5 किलो वॉट या 210 किलो जूल पर मिनट, इस चीज का हमें याद रखना है। ये आता कैसे है, जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ में परिवर्तित करते हैं तो जो लेटेंट हीट ट्रांसफर होता है उसका मान होता है 334.9 किलो जूल पर केजी। इस गुप्त ऊष्मा का मान होता है 334.9 किलो जूल पर केजी। अब हमें 1 TR निकालना है। 1 TR क्या है, 1000 किलोग्राम पानी, तो हमने 1000 किलोग्राम पानी लिया
और इसकी लेटेंट हीट को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो इंटू केजी, केजी से केजी कैंसिल हो गया तो किलो जूल आ गया। इस किलो जूल को यदि मैं 24 घंटे में परिवर्तित करना है बर्फ में, तो 24 इंटू 60 ये मिनट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये वैल्यू लगभग आती है 232.6 किलो जूल पर मिनट। प्रैक्टिकल केस में इसको 210 किलो जूल पर मिनट माना जाता है। तो इस तरह से रेफ्रिजरेशन की जो यूनिट है वो 1 TR होती है, और 1 TR इज इक्वल टू होता है 3.5 किलो जूल पर सेकेंड या किलो वॉट। अब हम आगे चलते हैं प्रशीतन की विधियां। बहुत सारे मेथड्स हैं रेफ्रिजरेशन के। रेफ्रिजरेशन के मेथड्स में सबसे पहला लेते हैं कूलिंग बाय केमिकल मील्स, यानी रासायनिक साधनों द्वारा। कुछ साल्ट हैं जैसे NaCl है, जब इसको पानी में मिला दिया जाता है, NaCl को जब पानी में मिला दिया जाता है तो ये क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण जो सॉल्यूशन है, जिसके कारण सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्योंकि जैसे ही जिस पानी और सॉल्यूशन में से जब ऊष्मा निष्कासित होगी, निष्कासित होने के कारण वहाँ पर कूलिंग होगी, लेकिन इस तरह की कूलिंग का जो प्रयोग है वो बहुत लिमिटेड रहता है। दूसरा बात करते हैं आइस रेफ्रिजरेशन, बर्फ पर शीतन। ये बहुत कॉमन विधि है। इसके अंदर क्या है, मान लीजिए ये हमारा कोई स्टोरेज है, इस स्टोरेज में हमने एक स्थान पर बर्फ रख दी है, यहाँ पर हमने बर्फ रख दी है। ये जिस वस्तु को ठंडा करना है, नेचुरल एयर या फोर्स्ड एयर को पहले बर्फ पे से गुजारा जाता है। यदि नेचुरल कन्वेक्शन की बात करें, प्राकृतिक संवहन की बात करें, तो क्या होता है, ये जो गर्म हवा है ये ऊपर की तरफ उठती है, डेंसिटी कम होने के कारण ये आइस यानी बर्फ के कॉन्टैक्ट में आती है। हवा जैसे ही बर्फ के कॉन्टैक्ट में आती है, हवा ठंडी हो जाती है तथा बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। बर्फ, क्योंकि बर्फ को हीट मिल गई, बर्फ ने हीट गेन कर ली, हवा ठंडी हो गई, बर्फ गर्म हो गई, बर्फ जब गर्म होती है तो पिघलना शुरू कर देती है, जिसको बाहर ड्रिप में पानी आता रहता है। अब ये ठंडी हवा, चूंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई, ये ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ प्रवाह करती है और ये इस स्थान पर आ जाती है, फिर वापस ये यहाँ पर जो भी हमारा स्थान है उसको ठंडा करती है तथा वापस पुनः गर्म होकर वापस आइस के कॉन्टैक्ट में आती है, और इस तरह से ये प्रक्रम जो है चलता रहता है। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड है, क्योंकि इसमें जो ठंडी होने वाली हवा है वो डायरेक्ट बर्फ के कॉन्टैक्ट में आ रही है, तो ये आइस रेफ्रिजरेशन का डायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड भी हो सकता है, जिसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आकर किसी और वस्तु के कॉन्टैक्ट में आए। यदि बाई मान लीजिए एक ठंडा पानी है जो वो किसी पाइप में फ्लो हो रहा है और जो है एयर जो है पाइप के आसपास बह रही है, जिसके कारण हमें कूलिंग मिल रही है। नेक्स्ट मेथड है रेफ्रिजरेशन बाय इवोपरेशन, यानी वाष्पन से प्रशीतन। इवोपरेटिव कूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम बाय इवोपरेशन ऑफ वाटर, यानी वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यह ऊष्मा जिस पदार्थ से ली जाती है उसके तापमान में कमी होती है। इसको समझने के लिए ये एक फिगर, हमारे भारत में इस तरह के मिट्टी के जो मटके हैं ये बहुत प्रचलित हैं, और ये कहा जाता है कि जो मिट्टी के मटकों के अंदर जो पानी होता है वो ठंडा रहता है। कैसे ठंडा रहता है, पानी जो है वो रिस रिस कर, यानी पोरस होल्स में, सरंध्र छिद्रों में से निकलकर पानी जो है वो इस मटके की सतह पर आ जाता है, तथा सतह पर आए हुए पानी का क्या हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है, और वाष्पीकरण के लिए जो एनर्जी है वो अंदर भरे हुए पानी से ली जाती है। अंदर भरे हुए पानी से वाष्पीकरण के लिए एनर्जी लेकर ये जो ड्रॉपलेट्स जो इसके बाहर होती हैं, मिट्टी के घड़े के बाहर होती हैं, ये वाष्प बन के उड़ जाती हैं, क्योंकि पानी के मटके के अंदर के पानी से ऊष्मा ली गई है तो मटके का पानी ठंडा हो जाता है और बाहर का पानी जो है वो ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो ये मेथड भी काफी भारत में ये मेथड भी काफी प्रचलित है। अगला है थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम। दो इफेक्ट हैं, एक सीबैक इफेक्ट और पेल्टियर इफेक्ट, हम इनको पहले समझते हैं। यदि दो असमान धातु यानी अलग अलग धातुओं की दो जंक्शन बना दिए जाएं और जंक्शंस को यदि अलग अलग ताप पर रखा जाए, यानी दो अलग अलग धातु हैं
दो अलग अलग धातु के वायर हैं, उन दोनों के दोनों सिरों को जोड़ दिया जाता है। एक सिरे को यदि ठंडे क्षेत्र में तथा दूसरे सिरे को गर्म क्षेत्र में रखा जाए तो उनके मध्य ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है। यह प्रभाव सीबेक प्रभाव कहलाता है। सीबेक के जस्ट अपोजिट एक और प्रभाव है जिसे हम पेल्टियर इफेक्ट कहते हैं। पेल्टियर के अनुसार यदि दो असमान धातुओं की संधि के बीच में यदि बाहर से वोल्टेज दी जाए यानी बाहर से धारा सप्लाई की जाए तो उसका एक जॉइंट जो है वो ठंडा हो जाएगा और दूसरा जॉइंट जो है वो गर्म हो जाएगा। इस सिद्धांत का भी जो है रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है। कूलिंग बाय गैस यानी गैस के द्वारा शीतन, यदि हम किसी गैस को कंप्रेस करें, कंप्रेस करने के बाद उस गैस को यदि हम रिवर्सिबली एडियाबेटिक तौर पर एक्सपेंड करें यानी उसका फैलाव करें तो फैलाव के कारण गैस के तापमान में कमी होती है। वो कमी भी हम जो है गैस कूलिंग के तौर पर प्रयोग में करते हैं यानी उच्च दाब गैस का विस्तार से प्रशीतन का उत्पादन किया जाता है। जैसे जैसे गैस का विस्तार होगा गैस का तापमान कम होता जाएगा और इस कम तापमान वाली गैस को हम प्रयोग में लेंगे रेफ्रिजरेशन के लिए। इसके अलावा हम जो सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली यूज में लेते हैं वो है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। गैस कंप्रेशन का जो मेन एग्जांपल है वो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जिसको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के भी आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। वेपर कंप्रेशन सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली चार कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है कंप्रेसर जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेंट का ताप व दाब बढ़ाने के लिए किया जाता है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को फिर कंडेंसर में से गुजारा जाता है। कंडेंसर में कांस्टेंट प्रेशर पर इस रेफ्रिजरेंट से ऊष्मा का निष्कासन होता है। उसके बाद एक एक्सपेंशन डिवाइस होती है, जनरली ये आइसेंथैल्पिक यानी ऐसी एक्सपेंशन डिवाइस जिसमें एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन डिवाइस से इस रेफ्रिजरेंट का एक्सपेंशन होता है, फैलाव होता है। फैलाव होने के कारण इसका ताप और दाब दोनों बहुत कम हो जाते हैं। ये कम ताप और दाब का रेफ्रिजरेंट को इवोपरेटर में से फ्लो करवाया जाता है। इवोपरेटर वो स्थान है जहां पर जो वस्तु हमें ठंडी करनी है वो रखी रहती है। ये रेफ्रिजरेंट उस वस्तु से ऊष्मा प्राप्त कर गर्म होकर इवोपरेटर से बाहर निकल जाता है तथा जो है इवोपरेटर के अंदर जो वस्तु है वो ठंडी हो जाती है। इसके अलावा एक वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम वाष्प अवशोषक प्रणाली भी है जिसे हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। तो ये थे रेफ्रिजरेशन के मेथड्स, रेफ्रिजरेशन की सामान्य विधियां, इनको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में विस्तार से पढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन जो कि कई बार पूछा जाता है, प्रूव दैट सीओपी ऑफ हीट पंप इज वन हायर देन दैट ऑफ रेफ्रिजरेटर। हिंदी में सिद्ध करो कि ऊष्मा पंप का निष्कासन गुणांक रेफ्रिजरेटर से एक अधिक होता है। ये क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट भी रहता है, इसको दो तीन तरह से पूछा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है सिद्ध करो कि सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू वन। तो इसके तरीके हैं, दो तीन तरीके हैं इसको पूछने के, इसको सॉल्व करने का। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं सीओपी ऑफ हीट पंप होता है क्यूएच अपॉन क्यूएच माइनस क्यूएल। हीट पंप ऐसा डिवाइस जिसमें निम्न तापमान वाली बॉडी से उच्च तापमान वाली बॉडी को ऊष्मा सप्लाई की जाती है तथा हमारा ध्यान उच्च तापमान वाली बॉडी पर होता है। तो सीओपी ऑफ हीट पंप बराबर होता है क्यूएच अपॉन क्यूएच माइनस क्यूएल तथा रेफ्रिजरेटर का जो है सीओपी वो होता है क्यूएल अपॉन क्यूएच माइनस क्यूएल, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा था। तो यदि हम मैं बात करूं सीओपी ऑफ हीट पंप और सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, यदि इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो क्या आता है, सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू, यहां पर मैंने सीओपी ऑफ हीट पंप की वैल्यू रख दी, यहां पर मैंने सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर की वैल्यू रख दी। अब देखिए, ऊपर आ रहा है क्यूएच माइनस क्यूएल, नीचे भी क्यूएच माइनस क्यूएल, तो क्यूएच माइनस क्यूएल से क्यूएच माइनस क्यूएल कैंसिल हो गया तो आंसर आया 1। तो यहां से सीओपी ऑफ हीट पंप बराबर 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, यही हमें प्रूफ करना था। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा गया है, हीट रिमूविंग कैपेसिटी ऑफ 3.5 टन रेफ्रिजरेशन यानी 3.5 टन के रेफ्रिजरेटर की ऊष्मा निष्कासन क्षमता।
हमें पता है 1 TR इज इक्वल टू होता है 3.5 किलोवाट। हमें कितना दिया है, 3.5 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन दिया है, 3.5 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो हम क्या करेंगे, 3.5 TR निकालेंगे, तो 3.5 इंटू 3.5 दैट इज 13.25 किलोवाट। ये वाला क्वेश्चन जो है कभी 2 TR, 3 TR, 4 TR इस तरह से काफी बार 2 नंबर के क्वेश्चंस में BTER द्वारा पूछा गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ए रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्ड 1.5 किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ध्यान से समझिए, ए रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्ड 1.5 किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन टू मेंटेन ए रीजन ऑफ -25 डिग्री सेंटीग्रेड COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। यानी एक प्रशीतक को स्थान का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखने के लिए 1.5 किलोवाट प्रति प्रशीतन टन। ध्यान से देखिए, यहां पर ये हमें जो दिया है ये रेफ्रिजरेशन क्षमता दी है, प्रशीतन क्षमता दी है 1 टन। प्रशीतन क्षमता कितनी दी है, 1 टन प्रति प्रशीतन टन। और यहां पे 1.5 किलोवाट क्या दिया है, 1.5 किलोवाट हमें दिया पावर इनपुट, शक्ति व्यय। तो हमें पता है सीओपी बराबर होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, प्रभावी प्रभाव बटे कृत कार्य। देखिए यहां पर ये प्रभावी प्रभाव है, यहां पे कार्य है। अब यदि मैं कार्य को मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दूं तथा प्रभावी प्रभाव को भी मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी ऊपर तथा नीचे दोनों तरफ यदि मैं मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये प्रभावी प्रभाव इनटू मास फ्लो रेट जो बन जाता है वो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी बन जाता है, और जो कृत कार्य है वो पावर इनपुट यानी शक्ति व्यय बन जाता है। तो हमारा सीओपी का एक फॉर्मूला ये भी होता है, सीओपी बराबर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी अपॉन पावर इनपुट, प्रशीतन क्षमता बटे शक्ति व्यय। प्रशीतन क्षमता हमने देखा प्रति प्रशीतन टन, तो 3.5 अपॉन पावर इनपुट जो है वो 1.5, तो सीओपी है 2.33। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है सामान्य तौर पर BTER के द्वारा पूछे जाते हैं। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।